हमारे साथ शशि भूषण जी है। शशि भूषण जी, आज जो संविधान को इंडिया गेट पे लेके कहाँ ले जाया जा रहा है? देखिए 26 नवंबर 1949 को याद करें तो आप देखेंगे कि बाबा साहब ने संविधान को बनाकर इस देश को सौंपा था और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ था, लेकिन इसका जन्म जो माना जाता है बाबा साहब के द्वारा वो 26 नवंबर 1949 माना जाता है। तो एक हमारे बहुजन समाज के लोगों में एक हर्षोल्लास है, क्योंकि आज जो बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए संविधान जो बनाया है उसका लाभ देश के गरीब तबके तक, डाउन ट्रोडन तक, आम आदमी तक कैसे पहुंचे। हम सरकार का ध्यान इस तरह आकर्षित करेंगे कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के प्रावधानों का लाभ गरीब तबके तक नहीं पहुँच पा रहा है, और हम चाहते हैं कि आज इस 17वें संविधान दिवस के अवसर पर ये सरकार सुनिश्चित करे कि इसका लाभ, संविधान का लाभ हर आदमी तक पहुँचे। आज हम संविधान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 17वां संविधान दिवस है। मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगी, आप सभी ने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, आज 17वें संविधान दिवस पे एक बार संविधान को पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा कि जो स्वतंत्रताएं हमारे को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें प्रोवाइड की गई हैं उसका कितना महत्व है हमारे जीवन के अंदर। जो हम खड़े होकर आज बोल पा रहे हैं समाज के अंदर, जो हर बिरादरी के साथ में हम खड़े से खड़े कंधा हिलाकर सरकारी नौकरियों में आ पा रहे हैं। अमृतसर से हूँ जनकराज रंगल, और हम यहाँ अमृतसर से, गुरदासपुर से, फिरोजपुर से, फाजिलका से, और भी बॉर्डर बेल्ट से यहाँ लोग न्यू दिल्ली इंडिया गेट में इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग संविधान की रक्षा के लिए सदा ही ऐसे ही लड़ते रहेंगे और खड़े रहेंगे। जय भारत, जय संविधान। हाँ जी, संविधान बचाओ मतलब प्रोग्राम तो है, इसलिए आए हैं जिंदा। मेरा नाम सुजाता नंदेश्वर है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, और आज हम यहाँ पे 26 जिस दिन बाबा साहब ने संविधान लागू किया था उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज ये रैली यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, मीन्स रैली कर रहे हैं, और यही है संदेश कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाबा साहब ने जो लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बरकरार रहे, आगे रहे और चलते रहे, यही हमारा एक मोटो है कि कोई भी सरकार आए, कोई भी कुछ आए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हिला नहीं सकते। यह हम अपनी मेजॉरिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे एकत्रित होके कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ये भारत का संविधान, ये और प्रबल और बहुत स्ट्रांग है और रहेगा, यही हम लोग आज दिखाना चाहते हैं। जय भीम, मेरा नाम संगीता कामले है, मैं दिल्ली से आई हूँ। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष में जो रैली निकली हुई है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे रहता है, उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 9 दिन में संविधान ख़त्म करके ख़त्म किया था पूरा इतना काल समय में। तो आज उस लक्ष्य में हम यहाँ पे मार्च में शामिल हुए हैं ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत प्रबल और स्ट्रांग है और वो इसी तरीके से बरकरार रहे। आप संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन संविधान की बात कहाँ मानी जा रही है आज देश के अंदर? देखिए, बाबा साहब ने खुद कहा था कि ये जो संविधान मैंने बनाया है, अगर इसके मानने वाले, इसके चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो ये संविधान बहुत अच्छा है, अगर यही संविधान गलत लोग चलाएं तो फिर वो इसी के जरिए बहुत गलत काम करेंगे। तो इसके चलाने वाले सरकार में, सत्ता में जो बैठे हैं वो इसके विरोधी बैठे हैं, तो वो इसको नहीं पूरा लागू होने दे रहे हैं, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं या इस तरीके से संविधान को ले जाके क्या दर्शाना चाहते हैं आप? नहीं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब द्वारा जो लिखा संविधान है, अभी इसके रक्षा करने वाले, इस पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले अभी लोग मरे नहीं हैं, मरने के लिए तैयार हैं। अगर आपने इस संविधान में, जैसे पहले भी ये लोग मनुवादी लोग कहते रहे कि इसमें फेरबदल करेंगे, ये पुराना हो चुका है, ऐसा है वैसा है, तो हम उनको इस बात से बता देना चाहते हैं कि अब हम मरना जानते हैं। Thank you.
कॉपी नहीं है, उस कॉपी करने के लिए भी कम से कम पढ़ना पड़ेगा आपको। और बाबा साहब जैसे बुद्धिमान आदमी ने सारे विदेशों के संविधान को पढ़ा, पूरी दुनिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो अच्छी चीजें थी, जो कुरुतियां थी, उनको अलग करके जिस देश के संविधान में जो अच्छाई थी उसको निकाल करके एक जगह लाए, और उन्होंने देखा कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, जो हमारे लोगों के लिए अच्छी है, जो लेडीज के लिए अच्छी है, दलितों के लिए अच्छी है, एक आम आदमी के लिए अच्छी है, वही सभी अधिकार बाबा साहब ने इस संविधान में डाले। वो लोग अनपढ़ गवार लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि ये कॉपी है। कॉपी तो मंगलयान भी है, कॉपी चंद्रयान भी है, ये भी तो वही कर रहे हैं। लेकिन उस समय में एक बेहतरीन व्यवस्था देना और व्यवस्था को चलाने के लिए भारतीय संविधान को बनाना, ये बाबा साहब के बिना किसी और के बस में नहीं था, क्योंकि बाबा साहब जैसे बुद्धिमान आदमी, इंटेलिजेंट आदमी दुनिया में आज भी अगर सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, और दूसरे देश अगर सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि बाबा साहब को देते हैं, तो ये मूर्ख लोग अगर ये कहते हैं कि बाबा साहब ने कॉपी किया है, तो ये इनकी अज्ञानता है। ये लोग बाबा साहब के बारे में जानते नहीं हैं, ये लोग ये नहीं समझते कि एक संविधान बनाना कितनी बड़ी उपलब्धि थी बाबा साहब की। करती है जब आज आधार रोल बन गया है, तो इलेक्टोरल रोल को बंद हो जाना चाहिए। यहाँ वोटों को वोटों की डुप्लीकेसी होती है, वोटों की चोरी होती है, तो आधार रोल को यहाँ पर मान्यता देनी चाहिए। यहाँ पर वोटर कार्ड बंद होना चाहिए और वोटर कार्ड की जगह पर यहाँ पर आधार कार्ड चालू होना चाहिए। यहाँ पर EVM बंद होना चाहिए, बैलेट वोटिंग होनी चाहिए। बैलेट वोटिंग से यहाँ पर लोगों की जब हिस्सेदारी होगी, तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है ये शांत होगा, लोगों को हिस्सेदारी मिलेगी। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ MP MLA बनने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पूंजीपतियों ने और यहाँ पर विदेशी ताकतों ने, जो हिंदूवादी जो लोग हैं, उनके अंदर भारतीयता के गुण नहीं है, और वो भारत के अंदर लोगों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सभी लोग नाश्ता करके, बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब की जो बातें हैं, उनमें जो दो बातें हैं जो सर्वश्रेष्ठ मैंने अपने जीवन में निभाई हैं, कि महिलाओं को विद्वान बनना है और उनको चरित्रवान बनना है, इसी तरह पुरुषों को भी विद्वान बनना है बाबा की तरह, और बाबा की तरह ही चरित्रवान बनना है। आप यदि विद्वान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, तो नेचुरली है कि आपको दुनिया की कोई राह, कोई मंजिल पार करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मेद राम सोलंकी नागौर से बोल रहा हूँ। इतना बड़ा ये फंक्शन हो रहा है, इसमें ये मीडिया वाले बिल्कुल इस फंक्शन को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? इस देश में ये अन्याय क्यों हो रहा है? जब छोटी सी बात में मीडिया पहुंच जाता है, और इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, उसमें मीडिया नाम का कोई आदमी नहीं है, बड़ा मीडिया की बिल्कुल एंट्री नहीं है। या तो ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या SC ST के कोई भी आंदोलन है उसको प्रचार प्रसार करना ही नहीं चाहते हैं। बंगाल यूनिट से आए हों, और रिक्वेस्ट है ऑल मीडिया के पास, ये दलित प्रोग्राम नॉर्मली कोई भी मीडिया दिखाता नहीं है, कवर करने से भी वो टेलीकास्ट नहीं करता है। तो आपको धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को, कम से कम ये दलित प्रोग्राम कवर कर रहा है, और ये प्रोग्राम और न्यूज़ पे और मीडिया पे दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे, तो इसलिए मैं उम्मीद है कि ये चैनल भी ये टेलीकास्ट करेंगे। आज हम सभी जो है संविधान निर्माता बाबा साहब को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और बाबा साहब ने जो है जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के लिए जो एक चेतना जागृति दी है, वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और बाबा साहब ने जो है नारी जाति के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के लिए जो काम किया, आज की जो सरकारें आती हैं वो क्या करती हैं कि जो संविधान की जो मूल स्ट्रक्चर है, मूल जो धारणा है, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका हमेशा एक ही अहम होता है, किसी प्रकार से रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। और आज जो सरकार है उनका मीना है, मैं ऑल इंडिया SC ST फेडरेशन राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज के इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में दिल्ली में आए हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो आशीर्वाद दिया हुआ है वो ना मिटे,
हिंदुस्तान में आरक्षण की व्यवस्था चल रही है सुचारू रूप से लागू रहे, और जो निजीकरण की व्यवस्था मोदी जी ने की है ये सारी गलत है, इसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे। आज की मीटिंग में जो भी तय किया जाएगा आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी, या आने वाले समय में यहाँ दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को इकट्ठा करके हमारी जो मूलभूत भावनाएं हैं उसके अनुसार हमारी मांगें पूरी करवाई जाएगी, उसके लिए तय किया जा रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूँगा कि वो सद्बुद्धि प्राप्त करें, और जो बहुसंख्यक लोग हैं हिंदुस्तान में SC ST OBC के, उनको संरक्षण दें और उनके अगेंस्ट में नहीं जाए। आज बाबा साहब का जो कार्यक्रम किया जा रहा है मैं सच सच नमन करता हूँ बाबा साहब को। मेरा ये कहना है कि दलित समाज अब जाग गया 70 साल में, और ये ऐसी स्थिति पैदा नहीं करे भारत सरकार के वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश ना करे। कोंडली विधानसभा से हूँ, दिल्ली प्रदेश से हमारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया वो अब महिलाओं का उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। बाबा साहब ने खाली दलित जाति के लिए नहीं हर एक महिला के लिए संघर्ष किया। आज अगर महिला यहाँ तक पहुँची है तो वो बाबा साहब की देन है। उनके लिए शिक्षित किया, एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे समाज को, पूरे घर को, पूरे परिवार को संगठित करती है, शिक्षित करती है। वो समय बाबा साहब ने हमें याद दिला दिया है। सबसे पहले जो 70वां संविधान दिवस है भारतवर्ष का, जिसे डॉक्टर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया है, उस पर मैं सभी को, यहाँ पर आए हुए उपस्थित सभी लोगों को मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।